ना ही मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया है, ना ही कोई एक्स्ट्रा से चीज़ अप्लाई किया, कंसीलर और फुल कवरेज हो गई है। बहुत ही अच्छा सा ग्लो आया है स्किन पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? इस वक्त जहाँ रहें जी खुश रहें। आज का जो टॉपिक है ना वो जी इन केरलॉन की जो स्टीवी पेंट स्टिक है इनके बारे में। अच्छा जी, जब भी इनका जिक्र आता है हमें लगता है बहुत ही हैवी सी जो है ना वो बेस हमारे फेस पे अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि ये स्टिक फॉर्म में है। लेकिन आज मैं इसको आपको लिक्विड बना के यूज़ करने का तरीका बताऊंगी, जो बहुत ही लाइट बीबी क्रीम से भी लाइट आप लोगों को नज़र आएगी। क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि हम मेकअप भी करें, हमारा ग्लो भी आए, हमारी स्किन भी क्लियर लगे, हमें ज़्यादा चीज़ें भी अप्लाई ना करनी पड़े और हमारी स्किन जो है ना वो अच्छी भी लगे, हमारा मेकअप भी हो जाए। तो ये स्पेशल आज उन लोगों के लिए है। चाहे आप इसको एक ही फाउंडेशन आपका जो कलर सूट करता है, हमारे एशियन पे मोस्टली 38 to 45 यूज़ करता है सूट करता है, तो इनमें से आप कोई भी एक जो आपकी स्किन पे ज़्यादा सूट करता है आप लोग ले लें। आपको ना ही किसी कंसीलर की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको ग्लो के लिए एक्स्ट्रा फाउंडेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोगों ने वीडियो के स्टार्ट में देख लिया था कि कितनी ग्लोइंग सी जो है वो बेस बनी थी और बहुत ही लाइट, बहुत ही लाइट। मैंने कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं थी ली, वो भी आप लोग वीडियो में देखिएगा कि किस तरीके से मैंने अप्लाई किया है और ग्लो भी बहुत आएगा और जितनी देर वो आप लोगों की स्किन पे लगी रहेगी उतनी ज़्यादा अच्छी उसकी ग्लो आएगी, उतनी ज़्यादा अच्छी वो आपकी स्किन के साथ सेट होगी और उसका जो है ना वो बिल्कुल भी पैची नहीं होगी। ना कि हर सैलून में ये यूज़ होती है और बहुत ही जो इसकी फिनिशिंग आती है ना वो किसी और फाउंडेशन की फिनिशिंग नहीं आती, इसलिए ये हर सैलून में यूज़ की जाती है और रिजल्ट्स इसके कमाल है। जितनी ज़्यादा ये स्किन पे स्टे करती है उतना ज़्यादा स्किन पे जो है ना वो अच्छा ग्लो आता है, अच्छी स्किन के साथ सेटल हो जाती है। ना ही हमारी स्किन जो है, ना ही हमारी स्किन ग्रे होती है, ना ही ब्लैक होती है। अगर हम इसका सही कलर चूज़ कर लें, मोस्टली 38 to 45 हमारी स्किन पर सूट करता है। तो जी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ओके जी, मिक्सिंग के लिए कोई भी फाउंडेशन प्लेट ले लें, उसके बाद रोज़ वाटर या सिंपल वाटर के तकरीबन जो है ना आपने 5 to 7 स्प्रे करने हैं। उसके बाद कोई भी हाइलाइटर लिक्विड के ले लें। मैं मिस रोज़ का यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो शाइन वाला है, इसलिए बिल्कुल आपने इसका इससे भी कम क्वान्टिटी में लेना है हाइलाइटर, और आपने पानी के साथ मिक्स करना है। उसके बाद जो है ब्रश को अच्छे से स्प्रे करना है, ब्रश बहुत ही आपका जो है ना सही से स्प्रे होना चाहिए। उसके बाद फाउंडेशन के ऊपर मैंने हल्का सा स्प्रे किया है और इस तरीके से दबा के हमें जितनी क्वांटिटी में फाउंडेशन चाहिए हम ले लेंगे। मैं बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं ले रही, बहुत थोड़ी क्वान्टिटी में ले रही हूँ। इसको अच्छे से उतार के आपने जो है वो उस प्लेट के ऊपर मिक्स करना है जिसमें हमने हाइलाइटर और रोज़ वाटर किया हुआ। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी और बहुत ही लाइट सी क्वांटिटी में मैंने अप्लाई किया है। इस तरीके से आपने अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है, कोई हमें हैवी नहीं चाहिए बेस और बिल्कुल लाइट सी, चाहे ईद पे करें या किसी भी आपने कहीं जाना है तब करें तो बहुत ही अच्छा सा इससे ग्लो आएगा। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर ले लें और इसके साथ टैप टैप कर लें आप लोग ब्लेंड। अच्छा, बिल्कुल भी आपने रगड़ना नहीं है और ना ही आपने इसको जो है वो दबा के करना है, क्योंकि इस तरीके से आपके जो फाउंडेशन के बाद जो ओपन पोर्स नज़र आते हैं वो वजह ये भी हो सकती है कि हम ब्यूटी ब्लेंडर को बहुत ज़्यादा दबा के या हम रगड़ के करते हैं। ओके जी, ये पूरी मैंने इस तरह से टैप टैप करके तकरीबन 3 to 4 मिनट मैंने अच्छी तरह से सेट किया अपनी स्किन के साथ, ताकि मेरी फाउंडेशन अच्छे से अपनी जो स्किन के साथ वो सेट हो जाए। उसके बाद जो है कोई भी आप लोग जो है ब्लशर ले लें और उसको हल्का हल्का करके अपनी स्किन पे अप्लाई करें। अच्छा, इस फाउंडेशन के बाद आपको हाइलाइटर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही मैं अप्लाई कर रही हूँ, इसके पूरी स्किन पे आपकी बहुत ही ग्लोइंग सी नज़र आएगी और आप लोगों के सामने है रिज़ल्ट। बिल्कुल लाइट सा मैंने ब्लशर अप्लाई किया है और कोई मैं कंटोरिंग हाईलाइटर नहीं अप्लाई कर रही। उसके बाद लाइट सी मैंने नून में लिपस्टिक लगा लिया और अपना जो है ऑयल कंट्रोल फिक्सर लगा रही हूँ रेवोल्यूशन का, और आप पे जो सूट करता है वो लगाएं और ये है आप लोगों के सामने रिजल्ट, कितना अच्छा और कितना ग्लोइंग सा है। जितनी देर ये आप लोगों की स्किन पे साथ लगेगी उतना ज़्यादा अच्छा ग्लो आएगा, उतनी ज़्यादा अच्छी ये है फाउंडेशन आपकी स्किन पे सेट होगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाजमी इसको ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को इस तरीके से कैसा लगा है फाउंडेशन लगाना। और बहुत ही लाइट सी, बिल्कुल बीबी क्रीम से भी लाइट आपकी फाउंडेशन होगी। ओके जी, अभी तक कर लेते हैं उम्मीहानी को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।